कश्मीर का नाम सुनते ही आपके जेहन में जो ख्याल सबसे पहले आता है वो है यहाँ की खूबसूरत वादियाँ। नेचुरल ब्यूटी ऐसी है कि जो एक बार यहाँ आ जाता है हमेशा का यहीं का हो जाना चाहता है। वादी के प्राकृतिक सौंदर्य के चलते ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन इसकी खूबसूरती के अलावा कुछ और चीजें यहाँ हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है, उनमें से एक है सेब। कश्मीर के सेबों की दुनिया में अलग ही पहचान है। न्यूज पोर्टली में आज हम आपको कश्मीर के सेबों के बगीचों की सैर कराएंगे, सेब की अलग अलग वैरायटी से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले कश्मीरी सेब को लेकर कुछ अहम बातें जान लीजिए। भारत में सेब की खेती में कश्मीर का वर्चस्व है। भारत सालाना करीब 25 से 26 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन करता है, जिसमें से 75% से ज्यादा कश्मीर की हिस्सेदारी होती है। सेब यहाँ के लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा जरिया और उद्यम है। मोटा मोटी माने तो करीब 35 लाख लोगों को सेब से जुड़े बाग, उद्यम, मंडी आदि में काम मिलता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक साल 2020-21 में कश्मीर में करीब 3,35,000 हेक्टेयर में सेब की खेती हुई थी, जिससे करीब 19.85 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन मिला था। कश्मीर में कमोबेश 100 से ज्यादा किस्मों के सेब उगाए जाते हैं। वैसे तो भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी सेब की खेती होती है, लेकिन कश्मीर के सेबों की बात ही अलग है। इसलिए तो कश्मीर को सेब का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी बागवानी करने वाले किसानों को, बागवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इनसे मिलिए, ये है शहनवाज खान। वैसे तो सेब की खेती इन्हें पुरखों से विरासत में मिली है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आई उससे निपटने के लिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किए, उन्होंने सेब की बागवानी के तौर तरीकों को ही बदल दिया। शहनवाज खान अपनी टेक्निक की वजह से आज 50 से ज्यादा वैरायटी के सेब उगा रहे हैं, जो एक तरह से रिकॉर्ड ही कहा जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों के किसान उनसे खेती की नई टेक्निक सीखने के लिए आते हैं। हमारे शहनाज खान साहब ने जो यहाँ पे टॉप ग्राफ्टिंग की 2-3 साल पहले या 4 साल पहले, तो ये एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव रहा यहाँ कश्मीर की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इंटरनेशनली हमें जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारी सेबों की क्वालिटी है, उसको एक इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जो खान साहब ने टॉप ग्राफ्टिंग का इनिशिएटिव यहाँ पे लिया, पहले इन्होंने हिमाचल से यहाँ पे बडवुड ला के यहाँ पे कम से कम 150 वेराइटीज़ यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए, और उनका रिज़ल्ट फिर इन्होंने देखा। और जब ये उसमें सक्सेसफुल हुए तो इन्होंने लोगों को यहाँ पे विज़िट करना स्टार्ट कर दिया, और लोग यहाँ पे इंस्पायर होके अपने बगीचों को चेंज करने लगे, मॉडिफाई करने लगे, क्योंकि हमारी जो रेड डिलिशियस वेराइटी थी उसमें पूरा कलर डेवलपमेंट नहीं आता था, या उसमें पूरी शेप नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में नहीं उतर पाता था। फिर जब ये इनिशिएटिव आया यहाँ पे, जो आप करंटली देख सकते हो, जो यहाँ पे प्रोड्यूस अभी हैं इनके सामने, तो ये लेटेस्ट वैरायटीज़ है, जैसे कि किंगरॉट है, जीरोमाइन है, स्कारलेट सुपर है। शहनवाज खान अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो सेब की खेती कर रहे हैं और शोपिया के पिंजोरा में रहते हैं। गाँव और खेती किसानी जुड़े आपके यूट्यूब न्यूज चैनल न्यूज पोर्टली ने अपने किसान भाइयों से शहनवाज खान से ये जानने की कोशिश की, आखिर उन्होंने सेब की बागवानी के तरीकों कैसे बदला और उसका उन्हें क्या फायदा मिला। ये इसलिए ताकि आप भी कुछ नया सीख सकें, अपने खेतों में, अपने बागों में उन्हें आजमा सकें। शहनवाज ने न्यूज पोर्टली को बताया कि पहले कश्मीर में 2 से 3 तरीके के ही सेब की वैरायटी पैदा होती थी, जिसकी मार्केट वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी थी। इसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ नया करने की ठानी। उन्हीं से सुनिए उनकी नई टेक्निक की कहानी। लोअर बेल्ट एरियाज हैं, जैसे 5 पुलवामा 5,000 फीट से 5,500 फीट, उसमें डिलिशियस को बिल्कुल हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ इसमें इतनी डिजीज़ आती हैं, वहाँ हम गाला पे जा सकते हैं बनस्बत के डिलिशियस के। तो यहाँ पे इस एलिवेशन पे हमें डिलिशियस भी, ये हम डिलिशियस स्ट्रेन में ही लेंगे, तो ये हाई कलर वैरायटीज़, तो डिलिशियस में हमें, मैंने आपको यही कहा कि लेट में तैयार होता था, विंटर नज़दीक होता था, बीच में विंटर बर्फ़ भी इस पे गिरती थी। 30 साल तक के जो आपके पेड़ हैं उनमें आप आसानी से टॉप वर्क कर सकते हैं और रिज़ल्ट ले सकते हैं, 2-3 साल में आपके सैम्पल्स आ जाते हैं।
तो बाकी जो ज़्यादा पुराने हैं उन पे आप M9 पे जाइए और मेनली आप 70% गाला पे जाइए। ये हमारे और इवन ट्रेडिशनल पे भी मैंने गाला किया, उस पे भी मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आए। जो मैं पिछले साल तक फार्मर्स को बताता था आप वेट करो, मगर इस साल उसके रिज़ल्ट आए, इस साल हम उनको बताएंगे नहीं जी इस पे साइज़ भी हमें आया, कलर भी आया और शाइन भी आई। फार्मर्स को खुद सोचना चाहिए, यहाँ आके वो यहाँ भी मुझसे मशवरा चाहे मैं उनको दे सकता हूँ, खुद भी उनको चेंज देखनी है, चेंज करनी है, चेंज के बगैर कुछ नहीं है, ये एक नया दौर है, नई चेंज है, तो इसमें जाना चाहिए। सेब की बागवानी की दुनिया में शहनवाज खान ने अपना अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है, एक अलग पहचान बना ली है, शायद यही वजह है कि लोग उनसे सीखने आते हैं। शहनवाज खान ने अपनी मेहनत से न केवल सेब की पैदावार बढ़ाई है बल्कि नई नई किस्मों के सेब उगाकर मार्केट में भी अपने को आजमाया है। उनके बाग में कई विदेशी सेब भी शामिल हैं। शहनवाज खान के इन प्रयोगों से किसान भाइयों को भी दिशा मिली है कि वो कैसे कुछ नया करके अपनी खेती में पैदावार बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। न्यूज पोर्टली के लिए कश्मीर से एजाज डार की रिपोर्ट।